दिल्ली के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली धमाकेदार जीत, पहले मुकाबले में ऐसे हराया दिल्ली कैपिटल्स को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ के मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले में किस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले में लखनऊ ने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले की, टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता डेविड वार्नर ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को होम ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की टीम की बात करें तो यहां पर लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे काइली मायर्स और के एल राहुल। दोनों खिलाड़ियों से यहाँ पर टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसकी शुरुआत की तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को चौका लगाकर काइली मायर्स ने। तो वहीं पर इसके बाद के एल राहुल के बल्ले से चौथे ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला। के एल राहुल के बल्ले से बेहतरीन छक्का निकला, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ी सफलता दिलाई दिल्ली कैपिटल को चेतन सकारिया ने और पेवलियन भेजा के एल राहुल को। के एल राहुल इस मुकाबले में सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए और 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 6 ओवर तक तो ये टीम ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और पावर प्ले में सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स 30 रन ही बना पाई। लेकिन पावर प्ले के बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर काइली मायर्स के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला मुकेश कुमार की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, 8वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल की पहली गेंद पर शानदार चौका व दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का काइली मायर्स के बल्ले से देखने को मिला, जबकि तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाकर 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद भी काइली मायर्स का रौद्र रूप जारी रहा और 10वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला, बैक टू बैक छक्के अक्षर पटेल के इस ओवर में लगाए। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की गेंद पर भी शानदार छक्का काइली मायर्स के बल्ले से देखने को मिला और दीपक हुड्डा के साथ उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर 70 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। काइली मायर्स के बल्ले से अब 7 छक्के निकल चुके थे, लेकिन इसके बाद दीपक हुड्डा ने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो अपना कैच थमा बैठे डेविड वार्नर को और एक और सफलता मिली दिल्ली कैपिटल को। दीपक हुड्डा काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे इस मुकाबले में छक्का लगाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और 18 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। दीपक हुड्डा के आउट होने के बाद काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे काइली मायर्स के रूप में बड़ी सफलता दिलाई अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल को और काइली मायर्स को बोल्ड करके पेवलियन भेजा। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे काइली मायर्स, लेकिन अक्षर पटेल की एक टर्न होती गेंद पर वो बिल्कुल चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए और बड़ी सफलता मिली दिल्ली को। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों पर 73 रन बनाकर पेवलियन लौटे काइली मायर्स। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे मार्कुस टॉयनिस। मार्कुस टॉयनिस ने यहां पर आते ही 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बेहतरीन छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर खलील अहमद ने टीम की वापसी करवाई और खलील अहमद ने पेवलियन भेजा मार्कुस टॉयनिस को। गेंद मार्कुस टॉयनिस के बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तानों भर गई और एक और सफलता मिल गई दिल्ली कैपिटल को। यहां पर मार्कुस टॉयनिस 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेवलियन लौटे, वो सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्रीज पर उतरे निकोलस पूरन ने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने
15वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का भी जड़ दिया, यानी कि चौका और छक्का जड़कर वो अपना शानदार आगाज कर चुके थे। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की तरफ से 17वां ओवर डालने आए चेतन सकारिया की पहली ही गेंद पर दमदार शॉट खेला यहाँ पर निकोलस पूरन ने और एक बेहतरीन छक्का बटोरा। इस छक्के के साथ ही वो तेजी से अपना स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर चेतन सकारिया के एक और शानदार चौका निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला। ये मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ था निकोलस पूरन के बल्ले से निकला हुआ शानदार चौका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुणाल पांड्या को भी काफ़ी देर हो गई थी, बड़ा शॉट नहीं खेला था, तो उन्होंने अपना पहला छक्का 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया, जब उन्होंने शानदार तरीके से चेतन सकारिया की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि वहां पर डेविड वार्नर खड़े थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से ये छक्का चला गया। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद के बेहतरीन छक्का लगाया, फुलर लेंथ की बॉल थी लेकिन इसको काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा निकोलस पूरन ने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो अपना कैच पृथ्वी शॉ को थमा बैठे और 21 गेंदों पर 36 रन बनाकर पेवलियन लौटे। लेकिन इसके बाद आयुष बोदोनी ने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया 19वें ओवर की चौथी गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर चेतन सकारिया के आयुष बोदोनी ने एक और शानदार छक्का जड़ा। ये छक्का काफ़ी लंबा था क्योंकि 97 मीटर दूर जाकर गिरी ये गेंद। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक स्लोअर लेंथ की गेंद थी, लेकिन इसको पूरी तरह से पढ़ लिया आयुष बोदोनी ने और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक दो छक्के लगा चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद पर वो कलात्मक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और कैच सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर गई और आयुष बोदोनी इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेवलियन लौटे। जबकि आखिरी गेंद खेलने आए कृष्णप्पा गौतम ने शानदार छक्का लगाकर इस मुकाबले की इस पारी को फिनिश किया और दिल्ली कैपिटल के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ने 194 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर तो उनके साथ थे पृथ्वी शॉ, लेकिन पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शानदार आगाज किया डेविड वार्नर ने। पहले ओवर में काइले मायर्स के शानदार चौका जड़ा, जबकि दूसरा ओवर डालने आए जयदेव उनादकट की दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका डेविड वार्नर ने लगाया, जबकि आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाते हुए डेविड वार्नर ने इस ओवर में से 17 रन बटोरे और शानदार शुरुआत कर दी दिल्ली कैपिटल की, क्योंकि 2 ओवर में 24 रन आ चुके थे। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए कृष्णप्पा गौतम की पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका डेविड वार्नर के बल्ले से आया और इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी डेविड वार्नर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब तक इस टीम के लिए सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि शुरुआत भी काफ़ी शानदार हो चुकी थी और शुरुआती 4 ओवर में 40 से भी ज़्यादा रन बना चुके थे दोनों बल्लेबाज। लेकिन इसके बाद यहां पर टीम के लिए सबसे बड़ा झटका लगा जब मार्क वुड ने क्लीन बोल्ड करके पेवलियन भेजा पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन इनके सामने नहीं टिक पाए और मार्क वुड ने उन्हें बोल्ड पर कर दिया। 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर पृथ्वी शॉ आउट हुए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर मिचेल मार्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्टन डक पर आउट हो गए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएँ दिला दी और वह भी पेवलियन लौट गए 0 रन पर ही और यहाँ से ही जबरदस्त वापसी कर ली लखनऊ सुपर जायंट्स ने, या यूं कहें तो इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया इन 2 गेंदों ने। इसके बाद नए बल्लेबाज सरफराज खान के बल्ले से बल्ली पारी की उम्मीद जरूर थी दिल्ली कैपिटल को, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरफराज खान के बल्ले से एक बेहतरीन चौका आवेश खान की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए एक चौका बटोरा। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी मार्क वुड का शिकार बन गए और एक अपर कट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे और ये मार्क वुड का तीसरी सफलता थी। सरफराज खान इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर
पेवेलियन लौट गए और दिल्ली कैपिटल को एक और बड़ा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज राइली रोसो ने संघर्ष जरूर किया। जब उन्होंने 10वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई के शानदार चौका जड़ा तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद एक बेहतरीन छक्का भी इसी ओवर में जड़ा उन्होंने और इस ओवर को काफ़ी बड़ा बना दिया दिल्ली कैपिटल के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद उनकी यह पारी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक बार फिर जब 12वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई तो उनकी पहली गेंद पर यहाँ पर शानदार चौका जरूर लगाया राइली रोसो ने, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद उनके पैड पर लगकर बल्ले पर जा लगी और इसके बाद कैच किया मायर्स ने और रवि बिश्नोई ने उन्हें पेवेलियन भेजा। राइली रोसो ने 20 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली लेकिन वो सेट होकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रोमन पावेल उतरे। इनसे भी काफ़ी बड़ी पारी की उम्मीद थी कि शायद ये आक्रामक बल्लेबाजी खेल कर टीम को जिता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर वो भी आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने उन्हें LBW आउट करके पेवेलियन भेजा। इसके बाद यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किए गए थे बड़े खिलाड़ी यानी कि अमन खान, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आवेश खान का शिकार बने और बड़ा झटका लगा। वहीं पर इसके अलावा यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेविड वार्नर की बल्लेबाजी काफ़ी शानदार रही लेकिन वो एक छोर पर सिर्फ टिके रह सके, आक्रामक बल्लेबाजी वो भी नहीं कर पाए। डेविड वार्नर की बात करें तो वो भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आवेश खान का ही शिकार बने। आवेश खान की बात करें तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इन्हें आउट किया। 48 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेलकर डेविड वार्नर भी पेवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल ने जरूर दो अच्छे शॉट भी खेले और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले 18वें ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान के एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा देर तक वो भी टिक नहीं पाए और 20वां ओवर डालने आए मार्क वुड की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल भी आउट हो गए। तो वहीं पर इसके बाद चेतन सकारिया को भी आउट करके मार्क वुड ने इस मुकाबले में अपना पंजा खोल दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मुकाबले में शानदार तरीके से 50 रनों से जीत दिला दी और दिल्ली कैपिटल को हार मिली। तो दोस्तों आपके हिसाब से दिल्ली की हार के कारण क्या रहे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।